मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था कि 1 सितंबर से आपका जो रिसर्च और स्टेट से रिलेटेड, गाइडेंस काउंसलिंग और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है, और इसके साथ साथ हम रिसर्च प्रॉब्लम यानी शोध समस्या और फिर मनोवैज्ञानिक शोध समस्या, साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में, और इसकी शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक रिसर्च के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, उनको भी सारी चीज़ें यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएं, जिससे कि उन्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज की क्लास अगर आपकी क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, तो आगे चलकर आपको बहुत ही आसानी होगी आने वाले क्लासेस में। इस पूरे पेपर में रिसर्च और स्टैट से रिलेटेड जो आपका ये पेपर है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप उसको ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिसर्च स्टार्ट करें उससे पहले आप ये जानें कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम रिसर्च कब करते हैं। जैसे कोई भी रिसर्च होता है तो क्यों हो रहा है रिसर्च, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना पड़ रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना एक भयानक समस्या के रूप में हम सभी के सामने आया। अब कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, लगातार रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे इसके क्योर को ढूंढा जाए, कैसे इसकी दवाई बनाई जाए या इसका वैक्सीन बनाया जाए, या कैसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे हम कोरोना को ख़त्म कर सकें। तो उसके लिए लगातार रिसर्च हो रहे हैं, लगातार खोज हो रही है। तो खोज क्यों हो रही है, क्योंकि कोरोना एक समस्या के रूप में हमारे सामने आया। तो जब भी कोई रिसर्च होता है तो ज़्यादातर रिसर्च के पीछे जो रीज़न रहता है, अगर आप मोस्ट ऑफ द रिसर्च देखेंगे तो उसके पीछे जो रीज़न रहेगा वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया जाता है। रिसर्च या शोध किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम करते हैं, फिर वो समस्या चाहे हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, या हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या हमारे देश से रिलेटेड हो, मतलब कंट्री से, सेना से रिलेटेड, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जो कि लगातार बढ़ रही है और आगे चलकर और बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, तो उससे रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च अगर देखा जाए तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको दूर करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें उस चीज़ के बारे में जानना है, उस चीज़ के बारे में और गहन अध्ययन करना है, और उसके लिए रिसर्च करते हैं। तो समझ में आ गया, एक ये सरफेस लेवल का एक नॉलेज कि आखिर में रिसर्च क्यों होता है। तो रिसर्च की शुरुआत कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से होती है। उसके बाद अगर हम रिसर्च वर्ड के जो इसका वर्ड है रिसर्च, रिसर्च, इसको अगर हम डिफाइन करें तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। समझे इसको, री का अर्थ क्या हुआ, दोबारा या पुनः, और सर्च का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता है, खोज। यानी रिसर्च में हम कई बार दोबारा खोज भी करते हैं। एक एस्पेक्ट क्या हो गया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो अब तक हमारे सामने नहीं आई थी और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए रिसर्च करते हैं। और ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ जो हमें पहले से पता है और उस चीज़ को हमें दोबारा प्रूव करके देखना है कि क्या ये चीज़ जो पहले पता थी वो अभी भी उतनी ही कारगर है, तो उसके लिए भी रिसर्च होते हैं। जैसे लगातार अगर आप मेडिसिन की फील्ड में देखें तो लगातार रिसर्च होते रहते हैं। पहले एक मेडिसिन आती है जो किसी एक प्रॉब्लम के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन
लगातार उस मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च होते रहते हैं कि क्या ये मेडिसिन अभी भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पहले होती थी। तो ये जो दोबारा रिसर्च हो रहा है उसको भी हम रिसर्च के अंतर्गत ही रखते हैं, और जो नई खोज हो रही है वो भी रिसर्च के अंतर्गत ही आती है। तो शोध समझ में आ गया। शोध में क्या होता है कि नए नॉलेज, नए तथ्य या नए सिद्धांत की खोज की जाती है, और जो पहले से ही पता है उन सिद्धांतों, उन तथ्यों को पुनः सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है या उन्हें अगेन प्रूव किया जाता है। ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब बात करते हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। तो अब बात करते हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि प्रॉब्लम से ही रिसर्च स्टार्ट होता है, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम को एक बार फिर से देखते हैं कंप्लीट। जैसे कोई भी जब समस्या आती है और उससे रिलेटेड खोज होते हैं तो वो एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी देखा जाए कि कोरोना का हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटेंस होता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, जिसे मतलब उसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, क्यों, कैसे। जैसे देखें तो कि कोरोना का हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, या कोरोना का हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, या कह सकते हैं कि इसका हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस निकल के आ रहा है जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम और दूसरे एस्पेक्ट में देखें, जैसे मान लीजिए कि आपको देखना है कि एक्सरसाइज का हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, तो एक्सरसाइज और हेल्थ ये दोनों चीज़ों का हम रिलेशन देख रहे हैं, और यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा है क्या, जो कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तैयार कर रहा है, और ये आपका है एक रिसर्च प्रॉब्लम, एक शोध समस्या। तो शोध समस्या अधिकतर समय एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने रिसर्च और रिसर्च प्रॉब्लम दोनों को समझा। अगर अब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम को देखें, अगर मनोविज्ञान में आते हैं और मनोविज्ञान में हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो इसको आप लोग देखें। जैसे मान लीजिए कि हमें देखना है कि जो पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड का हमारे परफॉर्मेंस पर, हमारे प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर पुरस्कार और किसका देखा जा रहा है, हमारे प्रदर्शन पर। तो ये एक तरीके का एक मनोवैज्ञानिक शोध समस्या है। या हम इसको और दूसरे तरीके से लें, तो जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है, अल्कोहल का, शराब का हमारी बुद्धि पर क्या असर पड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक मनोवैज्ञानिक शोध समस्या हो गई। मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उस तलाक का उस महिला के ऊपर या उस पुरुष के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये भी एक प्रकार का शोध समस्या है। कैसी शोध समस्या? मनोवैज्ञानिक शोध समस्या। तो अब तीनों चीज़ें क्लियर हुई ना कि रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आप एक काम करें तुरंत कि आप कुछ ऐसे एग्जांपल, साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक शोध समस्या के कुछ कथन कमेंट में लिखें। कि जैसे मान लीजिए एक कथन और हो सकता है कि कोरोना का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, या योग करने से हमारी जो एकाग्रता है उस पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बनाएं, साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटेंस बनाएं और उसको अपने कमेंट में लिखें। तो आज की क्लास में हमने देखा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल हम और डिटेल्स में इन चीज़ों को जानेंगे, और इसके साथ साथ इसके फिर कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे इसमें अभी हम आगे हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, या जिसे हम उपकल्पना कहते हैं, उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ चर की बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी को आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो अगर एक साथ ज़्यादा नॉलेज होगा तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों को
जो अभी बेसिक की चीज़ें थी उनको ही क्लियर किए हैं उनको, क्योंकि ये चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आगे की चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।